डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू कंस्ट्रक्ट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये फॉर्मूला बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है और एक्स हमारे पास एज अ रैंडम वेरिएबल होता है जो कि 0 से लेकर 8 तक है यहाँ पर, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.20 है। यहाँ पे हर रैंडम वेरिएबल की प्रॉबिलिटी मैनुअली तरीके से निकाली गई है, लेकिन इस फंक्शन के जरिए हम इस फंक्शन को कैलकुलेटर में पुट करेंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक क्लिक पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम क्या प्रेस करेंगे, मोड और 7 का बटन प्रेस कर देंगे, राइट। उसके बाद देखें ये फंक्शन आ रहा है। अब इस पूरे फंक्शन को हम पुट करेंगे एन एन, यहाँ पर हमारे पास क्या है 8, तो हमने 8 प्रेस किया। एंड देन इस सी बटन के लिए हम शिफ्ट डिवाइड का बटन दबाएंगे, और एक्स के लिए अल्फा और ये ब्रैकेट वाला साइन प्रेस कर देंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या है 0.20 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर एक्स है हमारे पास अल्फा, ब्रैकेट का साइन प्रेस कर देंगे, इनटू ब्रैकेट 0.80 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 8 माइनस अल्फा एक्स। अब हम इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, फिर एक दफ़ा और इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपकी वैल्यू स्टार्ट कहाँ से करनी है, तो हमने इसको कहा 0, इज इक्वल टू का साइन प्रेस कर देंगे, और मैक्सिमम कहाँ तक लेकर जानी है 8 तक, तो आप 8 पुट करेंगे। लेकिन अगर आपने कभी 20 तक का मालूम करना हो तो आप यहाँ पे एंड में 20 पुट करेंगे, लिहाजा हम 8 पुट कर रहे हैं। स्टेप का मकसद है कि हर एक वैल्यू के दरमियान कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस है, तो आपने 1 को प्रेस किया एंड देन ये आपके पास टेबल आ गया। अब आप इसकी वैल्यूज को देख सकते हैं कि एक्स आपका 0 रैंडम वेरिएबल है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1678 आपके पास। नंबर सेकंड जो 1 है 0.335, और इस तरह सेकंड पर क्या है 0.2936। इस तरीके से ये आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी है वो आप जस्ट एक फंक्शन के जरिए कैलकुलेटर की मदद से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं।